नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो चॉइस लॉकिंग होती है दोस्तों, वो किस तरह से की जाती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर एक बार हमें बता दीजिए चॉइस लॉकिंग का करेक्ट प्रोसीजर एंड कोई मिस्टेक ना करें हम लोग। सो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे आ जाइए, उसके बाद जो आपको ये 3 डॉट्स ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे देखें डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको इनेबल कर लें, यहाँ पे टिक कर दें। सो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे टाइप करें NCHM काउंसलिंग। जैसे ही आप लोग यहाँ पे NCHM काउंसलिंग टाइप कर देंगे दोस्तों, फर्स्ट साइट जो आ रही है उसको आप ओपन कर लें। और जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ थर्ड एंड फाइनल राउंड रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे गाइज, यहाँ पर आप लोगों को अपना अपना रजिस्टर्ड रोल नंबर जो है और पासवर्ड है वो टाइप करना है। जो कैंडिडेट्स ने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो वो स्टूडेंट्स दोस्तों यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाके अपनी जो डिटेल्स हैं उसको फिल करें, पेमेंट करें, उसके बाद अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस को वो लोग फिल कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आज आपको जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनकी आज चॉइस लॉकिंग बताने जा रहा हूँ। सो मैं उनका रोल नंबर और पासवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। रोल नंबर और पासवर्ड भरने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कैप्चा जो आपको दिखाई दे रहा है उसको टाइप कर दें। सो मैं यहाँ पे आपके सामने टाइप कर देता हूँ D029। सो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद गाइज, आप लोग यहाँ देख लीजिए, मैंने रोल नंबर फिल कर दिया, पासवर्ड फिल कर दिया, उसके बाद मैंने कैप्चा फिल कर दिया है। अब मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। जैसे दोस्तों आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर कि दोस्तों यहाँ पे सेकंड राउंड का रिजल्ट भी आप लोग देख सकते हैं। सेकंड राउंड का रिजल्ट देखने के लिए आप लोग यहाँ पे व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करें। और जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड राउंड में अलॉटेड कॉलेज जो है वो IHM भुवनेश्वर है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है हमें। अब चलिए दोस्तों, हम लोग चॉइस जो है वो लॉक कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे वापस से होम पे चले जाऊँगा। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर आया हूँ, सो सबमिट विलिंगनेस फॉर फाइनल राउंड। अब देखिए यहाँ पे मैं चॉइस लॉकिंग जो है वो कर देता हूँ गाइस। सो उसके लिए दोस्तों देखिए, मुझे यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुझे क्लियर हो चुका है कि मुझे कौन कौन से कॉलेज चाहिए। सो अब मैं आप लोगों को ये चीज़ करके दिखाने वाला। सो मैं अपनी चॉइसेस को फिल कर लेता हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ दोस्तों, तो मुझे IHM चेन्नई जो है उसको नंबर 1 पे लाना है। सो मैं यहाँ पे इसको ऊपर ले आता हूँ दोस्तों। ये भी होने के बाद अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी चॉइसेस हो चुकी हैं। भुवनेश्वर देखिए दोस्तों 10 नंबर पे आ गया है। और मेरी आप लोग फाइनल चॉइसेस को एक बार देख लीजिए कि ये जो IHM चेन्नई है उसको नंबर 1 पे, हैदराबाद को 2 पे, चंडीगढ़ को 3 पे, 4th पे कोलकाता, 5th पे गोवा, और 6th पे मैंने जयपुर रखा है, 7th पे गांधीनगर, 8th पे बेंगलोर, 9th पे देहरादून, एंड 10th पे मैंने रखा है दोस्तों IHM भुवनेश्वर। सो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। एक कॉलेज अगर आप और ऐड करना चाहें तो उसे भी ऐड कर लेते हैं हम। जैसे कि मैं लखनऊ को ऐड करना चाहता हूँ, तो लखनऊ को भी मैं ऊपर ले आता हूँ। चलिए दोस्तों, ये मेरी फाइनल चॉइसेस हो गई हैं। अब मैं इसे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। सेव एंड कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे, मैसेज आ जाएगा कि आपने इतनी चॉइसेस को सेव कर दिया है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, तो अब हम लोग चॉइस लॉक करने वाले हैं। सो गाइस, सारे चेंजेस मैंने यहाँ पे कर दिए हैं और ये मेरी फाइनल चॉइसेस हैं दोस्तों। चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, गोवा, जयपुर, गांधीनगर, बेंगलोर, देहरादून, लखनऊ और भुवनेश्वर। सो फाइनली दोस्तों, नीचे तो कॉलेजेस मैंने ऐसे ही भर दिए हैं, लेकिन चलिए यहाँ तक जो है ये फाइनली मैंने कर लिया है। सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉक चॉइस पे अब देख लीजिए, यहाँ ऊपर यहाँ पे मैं अब
इसको लॉक करने जा रहा हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे लीव करने का ऑप्शन आ जाएगा, लीव पे क्लिक कर दीजिए एंड हैव बीन सेव्ड। देख लीजिए दोस्तों आगे है मैसेज कि जो 22 चॉइसेस हैं वो सेव हो चुकी हैं। सो आप लोग यहाँ नीचे देखिए, अब आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशंस इन फील्ड चॉइसेस, प्लीज़ चेक ऑल द फील्ड चॉइसेस केयरफुली बिफोर लॉकिंग। इसमें दोस्तों क्लियरली ये बता रहा है कि अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सो ये कह रहा है कि आप एक बार फिर से अपने कॉलेज प्रेफरेंस को देख लीजिए। सो मैं दोबारा देख लेता हूँ, IHM चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, गोवा, जयपुर, गांधीनगर, बैंगलोर, देहरादून, IHM लखनऊ, भुवनेश्वर, भोपाल, गुरदासपुर, शिलोंग, ग्वालियर। सो ये नीचे तो ऐसे ही हैं दोस्तों, मैंने यहाँ भुवनेश्वर तक अपने माना है और नीचे मैंने ऐसे चॉइसेस को भर दिया है। सो ये चॉइसेस दोस्तों सही है मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है कि सही है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, इसको आई एग्री टू लॉक माई चॉइस। सो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों, अर्ली लॉकिंग डज नॉट मीन अर्ली अलॉटमेंट और फर्स्ट क्लेम ऑन द सीट अलॉटमेंट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन रैंक लिस्ट, चॉइसेस वंस लॉक्ड कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन। सो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली बता दिया गया है कि जो रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगी, अगर आप पहले भरते हैं या बाद में भरते हैं, लास्ट दिन में भी भरते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो गाइज यहाँ पे मैं पासवर्ड डालने जा रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने पासवर्ड को डाल दिया है तो यहाँ पे यस लॉक करने का चॉइस आ रहा है, मैं यस लॉक पे क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपका जो लॉक चॉइस है वो हो चुका है दोस्तों। अभी आप लोग ऊपर से देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें हट चुकी हैं, चॉइस फिलिंग एंड ऑल जो भी चीज़ें आपको ऊपर दिखाई दे रही थी, लॉक चॉइस का भी ऑप्शन अब जा चुका है ऊपर से। आप लोग यहाँ पे नीचे देखिए, एक नई चीज़ आपको बन के दिखाई दे रही है यहाँ पर, डाउनलोड लॉक्ड चॉइस लेटर। सो दोस्तों ये क्लियरली जब आपका ये लेटर आने लग जाए उस टाइम पे आप लोग समझ लीजिए कि आपने पूरी अपनी जो लॉक्ड है चॉइसेस उसको सही से कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मेरी सेफ्टी के लिए। सो गाइज ये देखिए यहाँ पर क्लियरली जो है वो चीज़ें आ गई हैं, पूरी जो चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर 22 कॉलेजेस के नाम आ गए हैं मेरे। और यहाँ पे दोस्तों ये पूरी लॉकिंग डेट एंड टाइम भी आप लोग यहाँ क्लियरली देख लीजिए, एकदम एग्जैक्ट दोस्तों आ गया है यहाँ पर। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी। सो कोई भी मिस्टेक ना करें दोस्तों और अपनी काउंसलिंग को अच्छे से करें, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज लेने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।